हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे के सभी छात्र जो आपका भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली एक अखबार के आर्टिकल के माध्यम से यहां पे जो भी आगामी भर्ती है, और रेलवे के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है कि इतने लंबे कार्यकाल तक, जो सरकार का कार्यकाल होता है उसका लंबे कार्यकाल तक, अभी तक रेलवे का भर्ती नहीं आया है। ठीक है, अगर प्रीवियस भर्ती के बारे में बात करेंगे तो हर दो साल पे, तीन साल पे, अगर मान लीजिए दो साल पे भर्ती नहीं आता था तो मैक्सिमम आपका तीन साल पे तो भर्ती आना ही आना था, चाहे एलपी का भर्ती आ जाए, ग्रुप डी का भर्ती आ जाए, और उसके बाद जेई का भर्ती आ जाए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भर्ती आ जाए, एनटीपीसी का भर्ती आ जाए, एलपी टेक्नीशियन का भर्ती आ जाए, कोई ना कोई भर्ती आता था, पर आना एकदम निश्चित था। ठीक है, पर इस सरकार के कार्यकाल में रेलवे का सारा इतिहास यहां पे टूट चुका है, और इस सरकार ने एक नया मुहिम यहां पे कायम कर दिया है, वो क्या, भर्ती ना देने का। तो चलिए पूरा डिटेल जो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि पार्टिकुलर अभी लेटेस्ट जो अभी अपडेट आ रहा ग्रुप डी के रिगार्डिंग एलपी टेक्नीशियन जूनियर जूनियर इंजीनियर सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भर्ती का मुद्दा एक बार फिर से चरम सीमा पर चला गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पर देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं आपका जो अखबार के माध्यम से यहां पे अपडेट आया भर्ती को लेकर, उस भर्ती को पूरा डिटेल से देखते हैं। तो देखिए फाइनली यहां पे अखबार का जो आर्टिकल है जिस पे हम आ गए हैं, और ये जो डेट है हम बता देते हैं आपको, तो 25 अक्टूबर, ध्यान से सुनिए, 25 अक्टूबर 2023 के डेट में ये जो खबर है आपका दैनिक भास्कर अखबार के माध्यम से यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। ठीक है, दैनिक भास्कर 25 अक्टूबर 2023 का न्यूज़पेपर उठा के देखिएगा, आपको ये जो न्यूज़ है देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इसमें आपको क्या बताया गया है कि रेलवे 5 साल से वैकेंसी का इंतजार, अब राज्य व केंद्र सरकार का कार्यकाल होने वाला है पूरा। सोच लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यहां पे जो 5 साल का कार्यकाल होता है वो भी कुछ टाइम में यहां पे पूरा हो जाएगा, पर भर्ती का एक भी नया शेड्यूल यहां पे अभी तक जारी नहीं किया गया है। आगे देखिए आपको क्या बोला जा रहा कि आरआरबी अजमेर में 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं, आखिरी भर्ती लोको पायलट की हुई थी। 2018 के बाद कोई भी भर्ती नहीं हुआ है, और आखिरी भर्ती आपका असिस्टेंट लोको पायलट का हुआ था। आगे देखिए आपको क्या बताया जा रहा कि रेलवे में नौकरी का सपना संजोए बैठे बेरोजगार के लिए यह निराश करने वाला खबर है कि सरकार का एक कार्यकाल पूरा निकल गया लेकिन कोई नई भर्ती नहीं निकली। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, पर इस 5 साल के दौरान अभी तक कोई एक सिंगल भर्ती बड़ी मात्रा में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत अभी तक यहां पे मंत्रालय की तरफ से जारी नहीं किया गया है। लेकिन और उसके बाद आपको बोला जा रहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी अजमेर में आखिरी भर्ती 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए निकाली गई थी। इसके बाद से 5 साल से अभ्यर्थी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो आखिरी भर्ती अजमेर के रिगार्डिंग अगर बात करें तो एएलपी का आया था 2018 में। 2018 में आपका एएलपी का आया था, इसके बाद आपका ग्रुप डी का भी भर्ती आया था, और फिर सोचिए 2019 में तुरंत बाद आपका ग्रुप डी का 1 लाख से ज्यादा पद पर बंपर भर्ती निकाला गया, और उस टाइम आपका सीन था इलेक्शन का। तो जब जब इलेक्शन आता है तब तब रेलवे का नींद यहां पर खुलता है कि हां हमें भर्ती भी देनी पड़ती है, और एक बार इलेक्शन के टाइम पे भर्ती आ जाता है उसके बाद 4 साल तक रेलवे आराम से काम करता है, आराम से सोते रहता है, भर्ती को लेकर कोई भी वहां कुछ काम नहीं होगा। फिर नींद कब खुलेगी, जब अगले साल इलेक्शन आएगा तब, मतलब जब जब इलेक्शन आता है तब तब रेलवे को भर्ती, नई भर्ती देने के लिए यहां पर उनकी नींद खुलती है। ठीक है, आगे देखिए आपको क्या बोला जा रहा है इसमें, आरआरबी अजमेर सेंट्रल रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले भर्ती विज्ञापन की परीक्षा का आयोजन करता है। केंद्रीकृत विज्ञापन अजमेर सहित देश के सभी भर्ती बोर्ड में जारी होता है। आरआरबी अजमेर के एम्प्लॉयमेंट नोटिस सेक्शन का अवलोकन करने पर सामने आया कि वर्ष 2023, 22, 21, 20 और 19 में एक भी विज्ञापन किसी भी भर्ती के लिए जारी नहीं किया गया। हालांकि आपका एक विज्ञापन आया था 2019 में जिसमें आपका सीएन सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1/2019 करके जो आपका ग्रुप डी के लिए था, जिसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा पोस्ट पर इसमें रिक्रूटमेंट जो है निकाला गया था। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करें तो 2019 के बाद से यहाँ पे 2023 भी सोचिए खत्म होने वाला है, 2 मंथ यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, 4 साल के दौरान रेलवे का कोई एक सिंगल भर्ती देखने को अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है
यानी राज्य की सरकार का एक कार्यकाल पूरा हो गया है और अब अगले महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार का भी 5 साल का एक कार्यकाल जल्द ही पूरा होने वाला है, लेकिन अभी दूर दूर तक किसी नई भर्ती के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। यहां पे सीधा ये बोला जा रहा है कि दूर दूर तक नया भर्ती देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि देखिए, न्यू रिक्रूटमेंट रेलवे का आएगा, ये तो कंपलसरी है क्योंकि इलेक्शन आ गया। और मैंने पहले बताया कि जब जब इलेक्शन आता है तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड का यहां पर नींद खुल जाता है। वो ये सोचते हैं कि अब तो मुझे भर्ती देनी पड़ेगी, इलेक्शन आ गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ऐसा उम्मीद यहां पे है कि लास्ट अगर मान लीजिए कि जनवरी फरवरी तक आपका एकदम भर्ती आ जाएगा, चाहे वो ग्रुप डी का है। और एएलपी टेक्नीशियन का तो आना 110% कंफर्म है। उसके बाद आपका भी जो रिसेंट न्यू भर्ती का आपको अपडेट मिला था वो आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर आरपीएफ की तरफ से मिला, एनटीपीसी की तरफ से मिला कि एनटीपीसी का भी रेलवे जो है डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिए कि कहाँ पे कितने कैंडिडेट ज्वाइन किए, कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी का भी डेटा कलेक्ट होना यहाँ पे शुरू हो गया है और बहुत जल्द आपका एएलपी और यहाँ पे ग्रुप डी के भी रिगार्डिंग खबर आएगा। तो बस चैनल पर बने रहिए, जो लोग चैनल से कनेक्ट नहीं हुए बस सब्सक्राइब करके कनेक्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो भर्ती आना तो निश्चित है, अभी आए, 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, पर भर्ती आना निश्चित है। और मैक्सिमम से अगर बात करें तो जनवरी से मार्च के बीच या फिर फरवरी के बीच आपका भर्ती का नोटिफिकेशन 100% रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आपको क्या बताया जा रहा है कि 2018 में निकली थी भर्तियां, रेलवे में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में ऐसा साल रहा जब एक के बाद एक भर्ती निकली थी। आप सभी को भी याद होगा 2018 में रेलवे में सहायक लोको पायलट एएलपी और टेक्नीशियन पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें कुल 26,000 पोस्ट निकाले गए थे। कितना? 26,502 पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें अजमेर सहित देश के 21 रेलवे भर्ती बोर्ड में पदों का बंटवारा किया गया था। 2018 फरवरी में लेवल 1 के विभिन्न पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था और जिसमें बात करें तो 62,907 लेवल 1 पद के लिए भर्ती निकाला गया था 2018 में। इसमें आरआरबी अजमेर के 4,755 पद थे जिसमें आपका वही बताया गया ट्रैक मेंटेनर, बाकी जो जो पोस्ट होता है ग्रुप डी के अंतर्गत वो सारा जानकारी आपको दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि 2018 में भर्ती आ गया, एक एक नहीं दो दो तीन तीन भर्ती 2018-19 के अंतर्गत निकाला गया और 2019 में सबसे बड़ा भर्ती आपका 1,03,000 पद पर निकाला गया था ग्रुप डी का। तो फिर अभी भर्ती क्यों नहीं निकाला जा रहा, क्यों 2020 खाली चला गया, 21 खाली चला गया, 22 खाली चला गया और फाइनली 23 भी खाली अभी तक जा रहा है और हो सके तो 23 भी पूरा इसी तरह निकल जाएगा। आखिर क्यों, जब एक के बाद एक नॉन स्टॉप आपका 18 और 19 में भर्तियां यहां पे दिया गया तो फिर ये 4 साल में एक भी भर्ती क्यों नहीं आया? ना ही एलपी का आया, ना ही टेक्नीशियन का आया, ना ही एनटीपीसी का आया, ना ही ग्रुप डी का आया। और जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का तो लंबा टाइम से भर्ती को पेंडिंग करके रखा गया, इसका भी भर्ती अभी तक रेलवे मंत्रालय की तरफ से ना इसका कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया, ना इसका कोई भर्ती के बारे में कुछ यहां पे अपडेट आ रहा है, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों? आगे देखिए आपको यहां पे क्या बोला जा रहा कि साल 2016 और 17 में कोई भर्ती नहीं हुई थी, वर्ष 2016 और 17 में कोई भर्ती नहीं निकाली गई। 15 में जूनियर इंजीनियर और डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट आदि पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस साल में एसएससी और जेई एनटीपीसी पदों के लिए भी भर्ती निकली गई थी, ठीक है। तो लास्ट आपका देखिए अगर बात करें तो 2015 में आपका जूनियर इंजीनियर सीनियर सेक्शन इंजीनियर एनटीपीसी आदि का भी पिछले बार भर्ती आया था, ठीक है ना। 2014 और 2012 में भी भर्तियां निकली थी लेकिन 2013 में कोई भर्ती नहीं निकली, ठीक है। मानते हैं कि एक साल का गैप हो गया, जैसे 2012 में आपका भर्ती आया फिर आपका 2013 में नहीं आया, 13 में ना आकर फिर आपका 14-15 में आया, 15 में भर्ती आया, ठीक है। उसके बाद आपका 16-17 में भर्ती नहीं आया, 2 साल नहीं आया। उसके बाद फिर आपका 18 और 19 में भर्ती आया, तो फिर हम मानते हैं कि आपका 20 और 21 में कोई भर्ती नहीं आया, तो कम से कम 22 और 23 में तो भर्ती आना चाहिए था, वो भी भर्ती नहीं आया। तो सोचिए इस सरकार के कार्यकाल के दौरान सबसे बड़ा लंबा ड्यूरेशन तक रेलवे भर्ती बोर्ड एक ऐसा डिपार्टमेंट इकलौता बन गया है जिसमें सबसे ज्यादा पद खाली होते हुए भी लगभग 3 लाख के आसपास पोस्ट खाली होते हुए भी यह भर्ती नहीं निकाल रहा और 4 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इसीलिए यहां पे इतिहास भी एक ये जो सरकार है वो कायम कर चुकी है रेलवे मंत्रालय डिपार्टमेंट के अंतर्गत, रेलवे भर्ती बोर्ड के अंतर्गत, कि 4 साल तक कोई एक सिंगल भर्ती यहां पे देखने को नहीं मिला है। भर्ती कौन किस किस टाइप की आती है तो हम आपको बताते हैं। भर्ती आता है आपका जीडीसी का, एलडीसी का, अप्रेंटिसशिप का भर्ती आता है और जो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है जैसे स्पोर्ट्स कोटा के तहत, कल्चरल कोटा के तहत, तो ये सारा भर्ती आता है। पर अब ओपन कैटेगरी का कोई भी भर्ती यहां पे देखने को नहीं मिल रहा। बस उम्मीद यही है कि बहुत जल्द से जल्द आपका जो है
न्यू भर्ती के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी होगा। जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ग्रुप डी का कर रहे हो, एएलपी टेक्नीशियन का कर रहे हो, एनटीपीसी का कर रहे हो, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिएगा। उसमें आपको कोताही बरतने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। कभी भी आपका जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम है और रेलवे को ना चाहकर भी भर्ती जारी करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं और आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं, आपके लिए बहुत जल्द हम सिलेबस के रिगार्डिंग भी डिटेल वीडियो आपको देने वाले हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। पल-पल का अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जरूर जुड़िएगा, और इसके साथ साथ जितने लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।